नहीं, सद्बुद्धि तो है मेरे पास। अब मैं, हाँ, एक मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड ही हो थोड़ा सा, जिस लाइन में मैं हूँ उससे रिलेटेड ही हो थोड़ा सा, थोड़ा सा हो चाहे कितने बट हो, उस चीज़ को समझे, सपोर्ट करे। और लड़के से ज़्यादा मुझे सासू माँ अच्छी चाहिए, जो सासू माँ जो मेरे साथ वीडियो बनाए, जो मेरे काम में अच्छे से साथ दे, मेरे साथ खुशी खुशी रहे। मैं अगर वीडियो ना भी बना रही हूँ, मेरे को बोले तूने वीडियो नहीं डाली आज, हो जाऊंगी। बिल्कुल यार भाई, एक बात तो बता दें, क्योंकि दो तीन प्रश्न पूछे हैं या नुके है, बार बार आने वाले समय पर बताऊंगी। तो भाई एक नेक्स्ट इंटरव्यू और फिर लेवाएंगे पाँच छह महीना बाद, क्योंकि कुछ मन में रह गया तो बाद में लेवाएंगे। पाँच छह महीने नहीं, कम से कम भी पाँच छह साल बाद, क्योंकि मैं कब प्रिपेयर होंगी, कब मेरे को टाइम मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज अभी मेरे साथ तो क्या है, मेरे साथ बंदे बहुत हैं, बंदे बहुत हैं, खास खास एक एक पर्सन मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट, हीरा जो बोलते हैं, बट उन हीरों से पूछना पड़ेगा कि आप आना चाहोगे कैमरे के सामने, तो उनको मनाना पड़ता है कि आ जाओ, कुछ नहीं होता, नॉर्मल है। तो वो बड़े लोग हैं, वो उनका अलग प्रोफेशन है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, तो उनको बुलाने से, मतलब बुलाने से पहले पूछना पड़ता है। तो एक बार उनसे डिस्कस करूंगी कि आप चाहते हो आना, आपके बारे में बता दूं मैं। तो वो चीज अभी चली हुई है, समझो ना, तो वो चीज समझो ना, वो चीज होने के बाद में बताऊंगी, बट अब वो कब समझेंगे, अब उनको पता है, तब मैं बताऊंगी जरूर। अच्छा मैंने बता, देखो आप इंस्टाग्राम पे पूरे चले, बॉलीवुड सॉन्ग तक आपने उन पर डांस किया है, बॉलीवुड स्टार तक किया है, कभी आपने सोची थी बैकग्राउंड मीडिया चैनल पे भी आपका इंटरव्यू होगा? कभी नहीं सुना है मैंने, सुना बहुत था, ठीक है, देखा भी है यूट्यूब पे, जैसे सामने वीडियो आपकी बहुत वायरल हुई है, बट ऐसा नहीं था कि आप मेरे से लेने आओगे, ऐसा नहीं सोचा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मुझे ये नहीं पता था कि आप, मतलब मेरे को गुड़िया गुड़िया इतना प्यार, मतलब मैं आपको, मतलब भाई जी बोलूंगी आप, मैं ये नहीं सोचा था मैंने, मतलब मेरे को ये भी पता नेचर कैसा होता है, क्यों होते हैं ये वीडियो मेरा कभी होगा, क्योंकि जिनके सॉरी इंटरव्यू जो होता है एक अच्छे लेवल पे आने के बाद ही होता है, हर किसी का तो नहीं होता। तो मैं कभी सोचती थी कि मेरा ऐसा कभी होगा, और मेरे को अभी भी नहीं लग रहा कि हूँ मैं सच्ची में नहीं आगे, बट अभी भाई लेने आए हैं, भाई जी लेने आए, तो मुझे लग रहा है कि फील लेना चाहिए थोड़ा, है ना? तो भाई देखो अच्छी बात है, गुड़िया ने बहुत मेहनत करी है, गुड़िया नहीं निकला भाई, मेरे से छोटी है, और बहुत सारा मेहनत जो संघर्ष जो इन्होंने किया है, अमित बोस भाई ने बताया था भाई, गुड़िया बहुत मेहनत से गुजरी है। तो भाई क्या, अगर भी प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो उसका उदाहरण है बेबे, बहुत सारी ऐड भी मिले है, तो बेबे कई करोड़ रुपये कमा लिए अब तक। इनकम टैक्स वाले मेरे दरवाजे पे नॉक नॉक कर रहे होंगे। कमा तो इतने लिए, बट कहाँ है टैक्स? कहाँ टैक्स है, नहीं मेरा अभी जीएसटी नंबर नहीं बना, बनवाऊंगी तो भर दूंगी सारा। पहले ही बता रही हूँ, भाई जी नमस्ते, दूर से ही अभी मत आना। तो अच्छा बेबे, आगे का सपना क्या है, मतलब आगे आपका मतलब एम इन लाइफ है? देखो इंस्टाग्राम चला रहे हो, लेकिन एक एम इन लाइफ है भाई, मैंने वहां तक जाना है भाई, वैसे तो बॉलीवुड तक जवाब जा लिए हो, तो वो और क्या कुछ करना आपने आगे? मेरा जो अच्छा है मेरे को, मतलब अगर वैसे मैंने कोई नहीं, कुछ नहीं सोचा हुआ, बट अभी साउथ के, साउथ मूवी के बारे में मैंने बहुत सुना है, बॉलीवुड में मिलता है तो ठीक है इंटरेस्ट, बट इतना नहीं है जितना साउथ में है। साउथ में कोई भी मेरे जो छोटा मोटा कोई भी रोल मिलता है, कोई प्रॉब्लम है, साउथ में जाना, साउथ के पर्सन से मिलना एक मन में है, क्योंकि मैं जब अभी डीएसपी सर से मिली हूँ, तो वो इतना अच्छे हैं, इतने बात करने में, उनका जो मैंने देखा है, जो व्लॉग्स वगैरह जो बनते हैं, मैंने वो देखा है, वो जो व्लॉग्स बनाते हैं जो मूवीज़ वगैरह में, तो बहुत अच्छा उनका रहन सहन, बोलना चलना, एक सबको बाबा जी करके बोलना, साहब जी ऐसे, मतलब दादा करके बात करते हैं, तो बहुत वो मेरा एम है कि कभी साउथ में जाऊं मैं कोई भी मूवी में, क्योंकि मैं ज़्यादातर देखती हूँ साउथ की, और बॉलीवुड में भी है कि किसी भी सॉन्ग में, डांस में, या फिर कोई मेरे को हीरोइन का कोई वो नहीं है कि मैं हीरोइन बन के आऊँ कभी मेन लीड रोल में। मेरे को ये है कि जैसे स्कूल में स्टूडेंट वगैरह का कुछ होता है काफ़ी मूवीज़ में, या फिर कोई सीरीज आती है, अच्छी सीरीज आती है, स्कूल लाइफ दिखाते हैं जिसमें बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, मुझे वो जीनी है दोबारा से, एक बार मैं जीना चाहती हूँ स्कूल लाइफ, चाहे कोई सीरीज में है या फिर मूवी में भी है, तो यही अभी फील करेंगे आप। यस देखो भाई, हर किसी की यादगार हुआ है, मतलब स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ है,
तो बहन जी का इंटरव्यू किया आपने पता है, और दो चार प्रश्न और रह गए, मतलब दो प्रश्न और रह गए बहन जी, दो पूछूंगा क्योंकि लंबा टाइम हो जाएगा। तो एक तो एक आपकी जो हरियाणवी टच है, हरियाणवी बोली से आप अभी इतना प्यार इतना प्रेम जो अच्छा, मतलब बोलने में भी हरियाणवी टच, मुझे नहीं लग रहा था कि अभी हरियाणवी बोलती होगी, लेकिन यहाँ गुड़गांव आपसे बातचीत हुई, मतलब कहीं भी थी आपकी ऑफ कैमरा भी, हरियाणवी टच अभी भी रख रहे हो भाई जी। पता क्या है, अभी जैसा देश वैसा भेस करना ही पड़ता है। अभी मैं हर किसी से मिलती हूँ, देखो मेरे को हरियाणवी बहुत पसंद है, हरियाणवी मैं बोलती हूँ अच्छा लगता है। जैसे मैंने अभी बताया था नीरज चोपड़ा सर हैं जो, तो उनका भी मैंने तो सर का भी मेरे को, मैंने जैसे उनका भी इंटरव्यू वगैरह देखे थे, बाहर भी बोले थे, हरियाणवी बोले थे, तो मेरे को अच्छा लगता है। मैं खुद भी बोलूँ मैं कि एक बड़े अच्छे लेवल पे जाऊँ, मैं वहाँ पे हरियाणवी बोलूँ, मैंने है और मैंने हरियाणवी प्यारी लगा, और मैं ये कभी भी नहीं छोड़ूं। जैसे आप लोग मिले मैं हरियाणवी बोलूं, अभी कैसी ऑडियंस है, अभी जैसे हिंदी बोलना पड़ता है कुछ को हरियाणवी ना समझ में आए, मेन प्रॉब्लम ये है, हरियाणवी बोलने से दिक्कत नहीं है, हरियाणवी काफी को समझ में नहीं आती, और अपनी जो हरियाणा वाली जो हमारी है ना हरियाणवी, बिल्कुल बोलते ना ठेठ हरियाणवी है, पेटा तो हरियाणवी में भरा है, भरा तो हरियाणवी में है। देखो हरियाणा वाले तो हरियाणवी तो अच्छी है उनके लिए, तो ऐसे मतलब क्या बोलते हैं कि बाजरे की रोटी पे मक्खन वाला काम है, ठीक है। बट जो हिंदी वाली ऑडियंस रहती है, हिंदी वाली ऑडियंस को थोड़ा सा समझ में नहीं आता ना हरियाणवी। दंगल फिल्म थी, सुल्तान फिल्म थी, वहां तक भी तहलका मचा है अपनी बोली, हां वो तो मजेदार होगा, आगे भी मचेगा वो तो, कोई बात कौन। बिल्कुल था, एक लास्ट पर्सन है कमेंट आता स्पेशली कि भाई अंजू मोर शादी कब कर रही है। मैं आपकी घर जाके आटा खा के आ रही हूँ, मैं गेहूँ खा रही हूँ आपकी जो इतनी भारी पड़ रही हूँ मैं, शादी कब होगी बस यही लाइफ में एक यही चीज होती है, यही करनी रहती भी, हाँ शादी कर लो सब काम होगा, टाइम पे होगा, जब होगा दिखेगा, बोलूंगी कि मेरी शादी होगी है, जितना होगा अगर मेरा ब्यों तो होगा ना अच्छा, तो मैं बुला भी लूंगी सब पता लगेगा टाइम पे, बताऊंगी जरूर मैं, टेंशन ना लो, टेंशन ना देख रही नहीं करनूं, दादू देंदी होगी जरूर दूंगी, एक बार भगवान मेरा ब्योंत कर दे, इतना पूरा बड़ा भर भर के टेंट लगाऊं मैं, पूरी सब्जियां ऐसे रखूं सब, अच्छा सब काम होगा। कैसा कैसा लड़का चाहिए गुड़िया अपने मेरे को लड़का चाहिए है, मेरे को पैसे वैसे उसके पास कितने हैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को समझने वाला चाहिए, जैसी मैं हूँ मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करे, मैं मेरी बहुत सारी हरकतें ऐसी हैं, मैं बहुत सारी जैसे मैं जैसी हूँ मुझे ऐसी ही हाँ सहन कर ले मेरे, मैं जैसी हूँ ऐसी ही एक्सेप्ट करे मेरे को, और मैं काफी बोलती हूँ, मेरे को मैं हर बंदे के साथ ओपन हो जाती हूँ, मुझे उस चीज को कंट्रोल में करने वाला चाहिए कि हाँ कंट्रोल में, मेरे को बंदा अच्छा है बुरा है वो चीज मेरे को रियलाइज करे। सद्बुद्धि दे आपको नहीं सद्बुद्धि तो है मेरे पास अब, हाँ एक मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड ही हो थोड़ा सा, जिस लाइन में मैं हूँ उससे रिलेटेड ही हो थोड़ा सा, थोड़ा सा हो चाहे कितने बट हो, उस चीज को समझे सपोर्ट करे। और लड़के से ज्यादा मुझे सासू माँ अच्छी चाहिए, जो सासू माँ जो मेरे साथ वीडियो बनाए, जो मेरे काम में अच्छे से साथ दे, मेरे साथ खुशी खुशी रहे, मैं अगर वीडियो ना भी बना रही हूँ मेरे को बोले तूने वीडियो नहीं डाली आज है त्री वीडियो नहीं आई छोरी, और पापा जी भी ऐसे ही होने दिए, जो ससुर जी आएंगे वो भी, और फैमिली ज्यादा अगर बड़ी होती है तो भी अच्छा है, छोटी होती तभी अच्छा है, जो भी है चलेगा, सब चलेगा, लड़का भी चलेगा, सासू माँ और भी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, मेरी सासू माँ से बननी चाहिए, लड़का तो क्या पता कुछ लग रखा है या नहीं भी है को तो बाहर रहेगा, बट सासू माँ से बना करे, सासू माँ मेन अच्छी होनी चाहिए। बढ़िया भाई, और गुड़िया ना अच्छा परिवार मिले भी भगवान से कामना भी करते हैं, खास तौर पर बेकार हरियाणा में रिश्ता हो रहा रिश्ता हरियाणा में ही होना चाहिए मेरा, रिश्ता हरियाणा में होना चाहिए, और मेरे नेम से मिलता ही अगर मिल जाए तो और अच्छा, ऐसे मिलना चाहिए जो भी हो, मतलब नाम से, हाँ नाम से ही मिलना चाहिए, मिल जाएगी फिर तो। हाँ चलो भाई, वीडियो देख ली है, और अंजुम और बहन जी का इंटरव्यू कैसा लगा, पूरी बायोग्राफी आपने देख ली है, तो बहन जी बड़ा अच्छा लगा इंटरव्यू लिया बहन जी का, और आपके कमेंट भी आए थे कि भी चार पांच पर्सन है बेबे से जब भी मिलो मुलाकात करो तो ये बातचीत आपने जरूर करनी है, तो कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है, तो बहन जी लास्ट में दर्शकों ने क्या कहोगे? यही कहूंगी अगर कुछ और रह रहा है ना पूछना तो कमेंट में कर दो, बस शादी की बात नहीं करनी शादी की बात नहीं, शादी नहीं करूंगा अभी नहीं करेगा करेगा तो बताएगा तो और कोई क्वेश्चन हो तो जरूर बताना, भाई जी से फिर मुलाकात होगी, और इस वीडियो को अच्छा ढेर सारा प्यार देना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अगर फ्री में वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना, कुछ नहीं जाता पैसा नहीं जाता, बस सिर्फ एक उंगली ऐसे जाएगी ऐसे ऐसे, और बेल आइकन ऐसे प्रेस होगी ताकि नेक्स्ट वीडियो आए, जो भी आए जिसकी भी आए, आपका कोई और भी फेवरेट हो, मैं नहीं हूँ तो मुझे भी कर लेना फेवरेट बना लेना, जिसकी भी आएगी तो उनकी वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको पहले ही मिल जाएगा, जैसे अपलोड होगी तब मिल जाएगा, तो ये सब चीजें कर लेना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल को, ठीक है।
आपके चैनल का नाम और बता दो गुड़िया। अच्छा मेरे चैनल को भी प्यार देना गाइस। नाम है चैनल का अंजुम और डांस, अंजुम और व्लॉग्स यूट्यूब पे दो एंड इंस्टाग्राम पे अंजुम और डांस को फॉलो कर लो। बिल्कुल फेसबुक पे भी कर लेना अंजुम और। चलो कर लियो भाई। और आपका मान सम्मान आपका लाड प्यार ऐसे ही बना रहे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखे, वीडियो कैसी लगी अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में रखे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाए। ग्राउंड मीडिया के लिए गुड़गांव से अपने कैमरामैन सुयोग इंतजार के साथ मैं जबार द्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।